देख रहे हैं स्टोरी हाउ डॉट इन और मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। वैसे मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में आपको अपने खान पान का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो इस बदलते मौसम में आप शिकार होंगे कई ऐसे बदलते मौसम की बीमारियों से। तो इन बीमारियों से खुद को बचाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए इस सीजन जो साग, खास तरह के साग मार्केट में आने शुरू हुए हैं, उसका सेवन करना जरूर शुरू करें। तो आखिर वो कौन कौन से साग हैं जिनका सेवन आप इस ठंड के मौसम में कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौसम ने एक बार फिर बदलना शुरू कर दिया है और अब मौसम ने रुख किया है सर्दी की तरफ, और ऐसे में खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बदलते मौसम में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको सर्दी, जुकाम, बुखार दे सकती है। इस मौसम में ऐसे तो ये होना फिलहाल आम है, मगर खुद को इन मौसमी प्रकोप से बचाने के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। सर्दियों के मौसम में धूप कम निकलती है और इसलिए शरीर में खून का संचार नहीं हो पाता है, जिसके लिए साग खाने को कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से साग खाए जा सकते हैं और इसके फायदे। सरसों का साग, ये साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खास तौर में सर्दियों में आने वाली ये साग हमारे सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इस साग में कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, पोटेशियम, विटामिन ए, सी, डी, B12, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से शरीर के अंदर मौजूद विषैले पदार्थ दूर होते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। चने का साग, ठंड के मौसम में चने का साग स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। इस साग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कब्ज, डायबिटीज और पीलिया जैसे रोगों में बहुत फायदा पहुंचाता है। ये साग हमारे शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करता है। बथुए का साग, बथुए का साग ढेर सारे औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इस साग का नियमित रूप से सेवन आपके गुर्दे में होने वाली पथरी का खतरा कम करता है। गैस, पेट में दर्द और कब्ज की समस्या को भी ये आपसे दूर रखता है। चौलाई का साग, चौलाई के साग में भरपूर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए, मिनरल और आयरन पाया जाता है। इस साग को अगर आप प्रतिदिन खाएं तो शरीर में होने वाले विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये साग कफ और पित्त को भी खत्म करती है, जिससे आपके शरीर में ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम खत्म होती है। मेथी का साग, ठंड का मौसम आते ही सब्जी बाजार में मेथी का साग खूब दिखता है, लोग इसे खाना भी बहुत पसंद करते हैं। मेथी का साग प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, नियासीन, पोटेशियम, आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ ही जिन लोगों को हाई बीपी और अपच जैसी बीमारियां होती है, उनके लिए साग बहुत लाभकारी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया तो ये लग गया है कि आने वाले इस बदलते मौसम में कौन कौन से साग मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन कौन से साग का आप सेवन कर सकते हैं। तो यकीनन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ हम दोबारा लौटेंगे स्टोरी हाउ डॉट इन पर।